तो मैं हूं आपका उस और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो पैशन प्रो। हीरो पैशन प्रो वाला मॉडल जिसके अंदर टाइमिंग चेन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी और हीरो की ग्लैमर, इन दो गाड़ियों के अंदर भाई बहुत ज्यादा टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम आई थी। तो मैं रियल कैमरे में दिखाता हूँ कि कौन सा वाला इंजन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम आती है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे रियल कैमरे में और आपको बता दो मैं सारी बात। ये वाली पैशन प्रो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये जब कंपनी ने बाइक बनाई थी तो भाई इसके अंदर हर बंदे को प्रॉब्लम आ रही थी कि टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम। अब हमारी गाड़ी जो है ये भाई काफ़ी चल चुकी है, तो ये देखो 34,000 हमारी ये जो गाड़ी है ये चल चुकी है, ठीक है 34,000 हमारी ये गाड़ी चल चुकी है पहली बार। और इस बाइक के अंदर पहली बार टाइमिंग चेन डलेगी, देखो डिपेंड ये होता है कि चलाने के ऊपर भी होता है। तो भाई इस बाइक के अंदर खैर आपने काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोज़ भी देखी थी और हीरो के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो हीरो की कंपनी ने अब क्या है अपना इंजन को और अच्छे तरीके से डेवलप करके अब ये वाली प्रॉब्लम जो अब आ रही थी अब ये ख़त्म कर दी गई है। तो ये वाली गाड़ी के अंदर हम जो है वो डालेंगे इसके अंदर टाइमिंग चेन और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसके अंदर टाइमिंग चेन डलेगी और कैसे कैसे इस गाड़ी का होगा सारा का सारा काम। और उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ ये रहा भाई अपना फ़ोन नंबर, वीडियो के अंदर भी आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ये रहा हमारा एड्रेस, बहुत सारे लोग हमारा एड्रेस पूछते हैं तो देखो ये रहा एड्रेस हमारा, तो यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको लैंडमार्क एक तरीके से चाहिए तो ये रहा दीप भवन, दीप भवन से बिल्कुल सामने ही हमारी मार्केट पड़ती है, अपोजिट दीप भवन के सामने हमारी मार्केट पड़ती है। सबसे पहले हम इसका याला कवर खोलना पड़ेगा राइट साइड का जिसके अंदर, तो इस साइड के हमारा मैग्नेट कॉइल होती है तो ये याला खुलेगा। और उससे पहले आपको चैन का कवर भी खोलना पड़ेगा, तो चैन के कवर के खुलने के बाद तो देख लो इसका चैन का जो बोल्ट है वो खोल लिया, ठीक है जहाँ से यहाँ से इधर के साइड का खोल लिया। अब क्या इसका एक नीचे बोल्ट होता है जो आपका गियर लीवर का बोल्ट है वो खुलेगा। तो दोस्तों गियर लीवर खुलने के बाद इसका मैग्नेट कवर खोला जा रहा है, ठीक है तो मैं है तो भाई जितने जब से खोला है तब से लेके अभी तक पहली बार ही खोला और इसके दो बोल्ट ये रहे, ठीक है दो बोल्ट ये रहे, एक बोल्ट ये रहा इसका, एक बोल्ट इसके नीचे वाला है। तो ये सारे इसके जो है वो सारे के सारे इसके खुलेंगे बोल्ट। तो दोस्तों देख लो खुल जा सिंह वाला सीन है तो देख लो इसका जो सेल्फ का था भाई ये सारा टूटा हुआ निकला इसके अंदर से क्या चीज़ कोयल ख़राब हो जाती है तो देख लो दोस्तों अगर ये सब ऐसे ख़राब निकलेगा तो भाई इसकी कोयल भी ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका ये वाला सारा सेटअप खुला है, ठीक है ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकली हैं। और देख लो यार वो तो अच्छा हो हमने सही टाइम के अंदर इसके जो चेक कर लिया, वरना इसके अंदर जो आपको प्लेट निकली है वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाती है, अगर वो इसके अंदर फंस जाती ना तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत करती। तो कहने का मतलब है गाड़ी का भाई और भी खर्चा बढ़ जाता है, तो आज हमने बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे खोल लिया हमने। तो देख लो भाई ये पूरा जो यहाँ पे ऐसे लगा होता है ना ये इसका सारा निकल गया, ये सारा इसका टूट ही गया, पूरा चूरा ही टाइप का हो गया एक तरीके से। तो दोस्तों देख लो इसको खोलने का तरीका भाई काफ़ी ईजी तरीके से, और देखो साथ के साथ में इसमें ऑयल भी निकलेगा, ठीक है तो ऑयल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ऑयल भी जो है इस गाड़ी का निकलेगा। तो इसलिए क्या है आप ना जब भी इसको ऐसे कराओ ना तो इसके नीचे एक साइड की तरफ में कुछ स्टैंड या कुछ ऐसी चीज़ लगा दो जिसकी वजह से जो गाड़ी का जो ऑयल है वो एक साइड की तरफ हो जाए और यहाँ से इसका कोई भी ऑयल जो है वो ना निकले। ये इसकी तो दोस्तों देख लो ये इसकी पूरी टाइमिंग चैन, और देख लो अब टाइमिंग चैन खोलने का तरीका भी देख लो आप लोग क्या क्या है कैसे तक इसकी जो टाइमिंग चैन है वो भी खुली जाएगी। गाड़ी के अंदर क्या था हमारी टाइमिंग चेन जो थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल बेहतरीन टाइमिंग चेन थी इसकी, और इस गाड़ी के अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो जो वो टूटा हुआ निकला है ना उसकी आवाज़ आ रही थी इसकी। और देख लो टाइमिंग चेन चेक करने का तरीका भी देख लो आप लोग कि कैसे कैसे टाइमिंग चेंज जो होती है वो इसको चेक करा जाता है, ठीक है तो इसके अंदर जो खर्चा
इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी वो इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी। तो जैसे भी आपके पास कभी भी बाइक हो तो एक बार इस चीज़ को जब टाइमिंग चेन खुलेगी तो ये चीज़ जरूर खुलेगी, तो भाई ध्यान रख लेना कि भाई इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि हमारी गाड़ी के अंदर इसी की प्रॉब्लम आई है और जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है टाइमिंग चेन की। बोलो तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी ये वाली, तो इसमें थी टाइमिंग चेन, जैसे आवाज़ करी इस तरीके से हमारी गाड़ी में आवाज़ आ रही थी। तो गाड़ी हमारी चल चुकी है 34,000 किलोमीटर, तो ये खुला है पहली बार इसका इसका टाइमिंग चेन का। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन तो हमारी गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है टाइमिंग चेन। ये टाइमिंग चेन हमारी यहाँ से भी बिल्कुल टाइमिंग चेन टाइट है, तो टाइमिंग चेन तो हमारी गाड़ी की बिल्कुल ठीक। तो इसमें जो कमी निकली हमारी गाड़ी में जो थी, इसका ये बदले क्लच होता है, इसकी प्लेट टूटी हुई थी, ये इसकी वजह से ये आवाज़ करती थी। तो आवाज़ करती है ऐसा चाहिए थी टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, तो टाइमिंग चेन हमारी गाड़ी की बिल्कुल ठीक हो गई। तो हम इसमें टाइमिंग चेन तो नहीं डालेंगे, टाइमिंग चेन भी इसी को रहेंगे, क्योंकि जब ये गाड़ी के साथ की टाइमिंग चेन है, हमारी गाड़ी के साथ की लगी हुई, अभी तक इसी में टाइमिंग चेन नहीं बदली गई है और ये खुला भी पहली बार है। तो इसमें इसकी टाइमिंग चेन देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, ये ऑयल पंप की अगर आ रही है ये भी ठीक है, और ये टाइमिंग पैड है ये भी ठीक है, क्योंकि इस गाड़ी में रूलर दिए नहीं है। क्योंकि एफ प्रो में ये पैशन प्रो जो है पुराना मॉडल के उन्होंने 2 रूलर देते हैं, इसके अंदर रूलर नहीं है, इसके अंदर ये टाइमिंग पैड दिया है। ऑयल डालते हैं इससे गाड़ी है, इसमें कैस्ट्रोल ही ऑयल डाला है, कैस्ट्रोल का ऑयल डालते हैं और वो भी 1 लीटर वाला डिब्बा डालते हैं पूरा इसके अंदर। तो हमारी टाइमिंग चेन बिल्कुल नहीं कटी है और देख सकते हैं गाड़ी की सामने खोल लिया किस तरीके की कंडीशन है ये खोलने के बाद। तो हमारा जो हुआ है इसमें हुआ है हमारा ये ख़राब बंदर कलेक्ट की जो प्लेट है ये गई हमारी टूट, जिससे कि कभी कभी हमारी सेल्फ में भी आवाज़ आती थी। तो मैं सोचा था इसके अंदर इन जैसे कि और पैशन प्रो जो है उसके अंदर सेल्फ की चेन दी, तो इसके अंदर सेल्फ की चेन नहीं दी दोस्तों, इसके अंदर ये करा दी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि सेल्फ की जो चेन होती है वो लूज़ हो जाती है तो वो भी आवाज़ करने लगती है। तो इसमें सेल्फ की चेन नहीं दी, इसमें दी है ये सेल्फ की गरारी, तो इसमें चेन कर दी कंपनी ने ख़त्म, ये दी है गरारी सेल्फ की गरारी, इस गाड़ी में चेन नहीं है, इसमें दी है गरारी सेल्फ की। तो चेन से भी छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि गरारी ये आसानी से ख़राब नहीं होती है, ख़राब ही नहीं होती टाइमिंग कहते हैं सेल्फ की चेन का इसमें कोई खर्चा नहीं है। बाकी इसमें जो रूलर होते हैं, जैसे रूलर अक्सर रबड़ के होते हैं वो कट जाते हैं रूलर, तो रूलर कटने के बाद टाइमिंग चेन में आवाज़ आने लगती है। क्योंकि जिस गाड़ी में रूलर होते हैं जैसे कि हमारे स्प्लेंडर में या पैशन में, उन्होंने साल डेढ़ साल में टाइमिंग चेन बदलवानी ही पड़ेगी, आप चाहे मॉडल उसमें कोई से बदलवाओ। इस गाड़ी में एक बार टाइमिंग चेन आपने ओरिजिनल डाल दी, क्योंकि इसमें टाइमिंग पैड हैं तो ये कटते नहीं है आसानी से, इसलिए इनकी टाइमिंग चेन काफ़ी समय तक चलती है लंबे टाइम तक। तो टाइमिंग चेन अभी हम अपनी गाड़ी की फ़िलहाल में नहीं बदलने वाले हैं, बस हम डालेंगे इसकी गर्म की ये वन वे कलच इसका डालेंगे नया, जो कि सेल्फ हमारी गाड़ी ले रही थी पर ये आवाज़ कर रही थी, सेल्फ हमारे भी आवाज़ कर रही थी, बेटी भी आवाज़ करती थी, तो इसलिए वो हमारी मैग्नेट देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर भी ये देख सकते हैं, तो ये सब कटन आ गई है इसके अंदर, ये मैग्नेट की कोयल वोयल ठीक है वही से बिल्कुल वॉश करके साफ़ करके। तो इसके ऊपर की प्लेट हुई है ख़राब, वैसे तो प्लेट मिलती नहीं है, और मिल भी गई तो लोकल ही प्लेट मिलेगी, तो या तो डालेंगे आप हम डालेंगे इसका पूरा वन वे क्लच ला के ओरिजिनल जितने का भी आएगा यही 500-600 रुपये का इसका ये होगा, या फिर इसके ऊपर की प्लेट मिल गई तो हम डालेंगे इसके ऊपर की प्लेट, बाकी पैकिंग डालेंगे और हम इसे यही फिट कर देंगे। फिट करने के बाद देखते हैं इसके पास कैसी चेन की बेची थी इसकी, पर हमने देखा टाइमिंग चेन बिल्कुल हमारी टाइट है, और अभी का एडजस्टर भी हमने इसका नहीं छेड़ा है, जैसे था कंपनी का ऐसे ही है ना, हमने इसका अभी तक टेबिट चेक करें गाड़ी के, जैसे गाड़ी आई है हमारी उसी हिसाब से चल रही, क्योंकि माइलेज भी ठीक दे रही थी, तो इसलिए हमने गाड़ी बस सर्विस करते हैं इसकी टाइम पर, ऑयल डालने इसमें कैस्ट्रोल, तो इसलिए हम इस बार एक बटाले हमने ब्रेक को गाड़ी में। तो अब हम इसकी डाल के आपको दिखाते हैं गाड़ी की आवाज़ कैसी रहती है, अरे आती है इसके अंदर आवाज़ टाइमिंग चेन की, तो फिर हम जब इसकी गाड़ी की सर्विस करेंगे इसकी डालेंगे जब टाइमिंग चेन, तो इसलिए अभी तो फिलहाल हम इसकी देख के फिर आपको बताते हैं इसकी आवाज़ कैसी रहती है। ये गोलियाँ जैसे कि ये इसकी सेल्फ की गोलियाँ होती हैं, ये गोलियाँ तो नॉर्मल ऐसी होती हैं जैसे कि पैशन प्रो में जो सेल्फ वाली है हमारी, या स्प्लेंडर प्रो जो सेल्फ वाली हैं उसकी तरह ही है गोलियाँ सेल्फ की बिल्कुल। और क्लच जो है इसका वाला मैग्नेट जो है सेम वही मैग्नेट जो है ये अपना वही सिस्टम दिया है, बस ये टाइमिंग चेन का हिस्सा बदल दिया है इंजन में, जो हमारा खड़ा इंजन है इसके अंदर ये टाइमिंग चेन का सिस्टम बदल दिया है, क्योंकि इसमें रोलर नहीं है और मैग्नेट वही है, मैग्नेट कोयल वही है, सब सामान वही है सेल्फ। जो हमने बताई थी इसके अंदर वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो मैग्नेट के पीछे जो एक प्लेट लगती थी वो टूट रही थी, तो वो टूट के मतलब कहने का मतलब किस्मत अच्छी थी कि आज हमने इसका काम कर लिया, और वहीं पे देखा जाए वहीं पे अगर देखा जाए तो ये वाली जो प्लेट है इसको हमने वापस एज इट इज फिट कर दिया, इसके अंदर कोई भी काम नहीं था, काम जो है हमारा मैग्नेट के ऊपर है जो कि इसके अंदर फंसता है और फिर वो जो हमारा मैग्नेट होता है वो घूमता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को बॉन्ड वॉन्ड लगा के अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो दोस्तों देख लो, अगर इसमें तुमने बॉन्ड नहीं लगाया तो इसके अंदर से यहाँ से भी ऑयल निकल सकता है और वहाँ बीच में से भी ऑयल निकल सकता है, तो इसलिए क्या बॉन्ड हमेशा ज़रूर लगा के रखें, ताकि क्या है आपकी जो ऑयल की प्रॉब्लम है वो इसके अंदर कभी ना आए।
तो देख लो प्लेट वो हमारी जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से क्या हमारा ये सारा सेटअप इसका सही था। तो वो प्लेट क्या होती है वो इंडिविजुअल मिलती नहीं है, तो अभी क्या है हमें उसे ऑर्डर पे मंगवानी पड़ेगी, तो ऑर्डर पे वो आ जाएगी। अभी हमारी बाइक के अंदर क्या हो रहा है, बाइक के अंदर ये हो रहा है देखो, अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है, हम जब सेल्फ मार रहे हैं ना तो ये देखो ये घूम रहा है और हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी जो गाड़ी है वो इससे स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो किक से स्टार्ट जरूर हो जाएगी। तो कभी आपका ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप देख लेना कि इसमें क्या होता है। इसमें ना आप ये चीज़ टेम्परेरी अगर रास्ते में कभी हो जाए तो ये चीज़ निकलवा के और अपना किक से आप इसे चला सकते हो। जब आपका पार्ट आ जाए तो वो पार्ट आप इसको इंस्टॉल कर लो तो गाड़ी के अंदर तब तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ऐसी हैक्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये रहा हमारा एड्रेस, यहाँ पे आओ फ़ोन करो, ये रहा ऊपर वाला हमारा फ़ोन नंबर, तो ओके बाय। और दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आर के ऑटो सर्विस को, राहुल बॉक्स एंड दोनों को ही। हमने इसके अंदर सारी इसका सब कुछ इसका पैक कर दिया, वो प्लेट इसकी जब आएगी हम उसको तब लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर में दे दिया, हीरो के सर्विस सेंटर में जाके हमने इसको ऑर्डर कर दिया। तो अब क्या है एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो अभी क्या है, गाड़ी सेल्फ मार रही है, तो देखो सिर्फ सेल्फ ही मोटर घूम रही है, इंजन का वो काम नहीं होगा। अब हम इस गाड़ी को करेंगे किक से स्टार्ट। तो किक से स्टार्ट करते साथ ही देख लो दोस्तों, ये गाड़ी हो जाएगी अपनी एक किक में स्टार्ट। और अगर आप ऐसे भी इसको चला सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सेल्फ की आपकी प्रॉब्लम जो होगी वही रहेगी, अदरवाइज़ बाकी गाड़ी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेस वेस कुछ भी दे लो, और देखो अगर देखा जाए तो गाड़ी के अंदर, तो दोस्तों देख लो गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन की भी आवाज़ दी है, यानी कहने का मतलब ये था कि इसकी वो जो प्लेट थी उसी के अंदर ही प्रॉब्लम थी। तो भाई जब भी आपके पास ऐसी कोई गाड़ी हो तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कहीं ये ना हो। ये देख लो भाई साहब नींद में, तो चेक कर लेना कि भाई वो प्लेट ख़राब ना हुई हो।